हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु जी में। आज मैं नवीन कुमार प्रजापति आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक लेकर आया हूं, जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से यानी ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिससे आप लोग हाइट और डिस्टेंस आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास चलती है। जैसे कि यहाँ पर एक घर बना हुआ है, यहाँ पर ये बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई खड़ा है, और अगर उससे कहें कि यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, अगर उससे कहें कि बिना डिस्टेंस नापी ये वाला डिस्टेंस बताओ, तो ये डिस्टेंस पता करने के लिए जिस ब्रांच का हम लोग यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और इसके फॉर्मूले याद करने की ट्रिक आज मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही मेन फॉर्मूला बता देता हूँ। यह है पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो इससे फॉर्मूले कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमें साइन थीटा निकालना हूँ, साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ये पहली फ्रैक्शन ये साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। इसकी फुल फॉर्म देखिए, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बता दूंगा सबसे पहले आपको। यहाँ पर ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, जो सबसे लंबी वाली साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको हाइपोटेनस कहते हैं। और जो ये खड़ी वाली साइड होती है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो ये है जिस पर पूरा ट्रायंगल खड़ा हुआ है इसको बेस कहते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह से कॉस थीटा का होता है, कॉस थीटा का होगा ये नेक्स्ट वाली जो फ्रैक्शन है ये बी अपॉन एच, इसकी फुल फॉर्म होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह से टेन थीटा का निकाल लेंगे, जो नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन है वो टेन थीटा हो जाएगा, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर ऑन बेस। तो साइन कॉस टेन, अब निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा कैसे निकालेंगे, ये तीनों खत्म हो गए। ये बहुत ही आसान है, जो टेन थीटा का जो फॉर्मूला था पी अपॉन बी, यानी कि ये, अब कॉट थीटा निकालने के लिए इसी को उल्टा कर देंगे, यानी कि बी अपॉन बी कर देंगे। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बी अपॉन बी की बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से सेक थीटा निकाल लेंगे, सेक थीटा क्या होगा, जो अभी नेक्स्ट फ्रैक्शन है इसका उल्टा कर देंगे, एच अपॉन बी हो जाएगा। लिख देता हूँ हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसी तरह से साइन कॉस टेन कॉट सेक, कॉस सेक और बचा है हमारे पास, तो कॉस सेक यहाँ से निकाल लेंगे, जो ये लास्ट फ्रैक्शन है इसको उल्टा कर देंगे, एच अपॉन बी हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आप लोग ये सारे फॉर्मूले याद कर सकते हैं। इसको याद करने का एक तरीका होता है, जैसे कि आप लोग कोई राइमिंग बना सकते हैं पी वी पी से, जैसे कि आप लोग बना सकते हैं कि पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, इस तरह से आप लोग कुछ भी राइमिंग वर्ड बनाकर इसको याद कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये सारे फॉर्मूले आपको आ जाएंगे। इसके आगे के फॉर्मूले मैं आपको अब बताता हूँ, उसके लिए हमें एक फिगर की ज़रूरत होगी। ये सब लिख देता हूँ मैं, इसकी हमें ज़रूरत होगी। ये था ये पी
H1B और H1P। तो यहाँ पर हम लोग तो चलिए और फॉर्मूलेस कैसे याद करने मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें फिगर की जरूरत पड़ेगी, ये इस तरह से हम रेगुलर हेक्सागन बना लेंगे, जो छह साइड वाला जो क्लोज फिगर होता है उसको हेक्सागन बोलते हैं। इसकी जो वर्टाइसेस हैं यानी ये जो इसके पॉइंट्स हैं यहाँ पर इनकी ये सब लिख देंगे, यहाँ साइन कॉस टेन कॉट और सेक कॉस सेक। नाम लिखते टाइम आपको याद रखना है कि जो साइन से जो उल्टा है यानी साइन यहाँ पर हमें अपॉन एच है तो साइन का उल्टा है कॉस सेक पी अपॉन एच, ये एच अपॉन पी तो साइन का उल्टा उसके सामने, टेन का उल्टा कॉट है इसके सामने, सेक का उल्टा कॉस है इसके सामने। तो इस फिगर से हम लोग फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये टेन और कॉस ये दोनों जो फंक्शन है इनका मल्टीप्लाई करके हम बीच वाला निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारे पास बनेगा साइन इज इक्वल टू कॉस इंटू टेन। तो इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं आपको। साइन थीटा हमारे पास होता है बी अपॉन एच इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच और टेन थीटा होता है बी अपॉन बी। तो यहाँ बी से बी कट जाएगा पी अपॉन एच इज इक्वल टू पी अपॉन एच इज इक्वल टू साइन। तो यहाँ पर साइन थीटा ये प्रूफ हो गया कि साइन का फॉर्मूला होता है कॉस इंटू टेन। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं कॉस, तो कॉस का इस तरह से हो जाएगा साइन इंटू कॉट। ये दूसरा तीसरा इसी तरह से ये हो जाएगा, ये बीच वाला है इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा कॉट इज इक्वल टू कॉस इंटू कॉस है। इसी तरह से ये हो जाएगा कॉस है दो और बनेंगे वो आप लोग निकाल लीजिए। सेक बनेगा सेक इसका और कॉस एक इंटू टेन हो जाएगा, टेन सेक इंटू साइन हो जाएगा। ये लोग आप निकाल लीजिए उससे। इसके आगे शुरू करते हैं, तो इस तरह से एक और फॉर्म ये पहली ट्रिक खत्म हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि ये साइन है इसका जो फॉर्मूला ये साइन जो होगा वो आगे वाले दोनों की अपॉन होगा, जैसे कि साइन कॉस अपॉन कॉट के बराबर होगा कॉस अपॉन कॉट। इसी तरह से कॉस कॉट अपॉन कॉस के बराबर होगा। एक प्रूफ करके देख लेते हैं, चलिए साइन थीटा उठा लिया हमने यहाँ से, तो कॉस यहाँ से देख लेंगे कॉस होता है बी अपॉन एच और कॉट होगा बी अपॉन पी डिवाइडेड बाय बी अपॉन पी। इसको सॉल्व करेंगे ये जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये लास्ट वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, तो बी से बी कट जाएगा पी अपॉन एच, तो साइन की वैल्यू आ गई पी अपॉन एच। तो ये होती है साइन की वैल्यू पी अपॉन एच, ये निकल कर आ गया। तो ये प्रूफ करके देख लिया हमने। इसी तरह से कॉस का भी हो जाएगा क्वाट का हो जाएगा आगे वाले दोनों की अपॉन कॉसेक अपॉन सेक। इसी तरह से कॉसेक निकाल देंगे सेक अपॉन टेन। इसके आगे इसी तरह से सेक आ जाएगा टेन अपॉन साइन। एक और बनेगा टेन, टेन का बनेगा साइन अपॉन कॉस। तो ये पूरे छह फॉर्मूले यहाँ से निकल कर आ रहे हैं इस तरीके से। इसी तरह से छह फॉर्मूले और बनेंगे। अभी हम यहाँ से यहाँ इस तरह से चल रहे थे, अब इसके उल्टे चलेंगे, छह फॉर्मूले इसके उल्टे हैं।
यानी कि यहाँ से यहाँ चलेगा इस तरह से, तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा टेन अपॉन से इसी तरह से टेन का हो जाएगा सेक अपॉन कॉस से। तो इसी तरह से आप ये सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है, आपको करना होगा इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। ये को टेन की टेन को हम प्रूफ कर लेते हैं, सेट सेट की वैल्यू है एच अपॉन बी और डिवाइडेड बाय कॉसेक, कॉसेक की वैल्यू है एच अपॉन पी, तो ये एच अपॉन बी ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, एच से एच कट जाएगा, तो टेन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी ये अपॉन बी, तो टेन डीजा देख लेते हैं कि ये अपॉन बी होता है, ये बिल्कुल सही आया हमारा आंसर। तो इस तरह से छः फॉर्मूले ऐसे में होगा और छः इसके उल्टे वाले, तो 12 फॉर्मूले ये आ गए आपके पास। तो हमने अभी तक 24 फॉर्मूले देख लिए हैं कैसे बनते हैं, इसके आगे 3 फॉर्मूले और देखते हैं। इसके लिए हम लोग एक बार फिर से ये फिगर बनाएंगे, फिगर बार बार बनानी है आपको, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए, आपके दिमाग में फिट हो जाए बिल्कुल से, क्योंकि आपके दिमाग में फिगर रहेगी तभी आपको फॉर्मूले याद हो पाएंगे अच्छे से। ये हमने एक बार फिर से बना लिया, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक। तो हम लोग इसके डायगनल को ज्वाइन कर डायगनल बना देंगे इसमें, यानी कि इसके वर्टाइसेस को ज्वाइन कर देंगे आपस में, और यहाँ पर बीच में बन लेते हैं। तो अब फॉर्मूला बनेगा ये, मतलब जो इसके हम सामने वाला जो है ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, इन दोनों का मल्टीप्लाई बन के इक्वल होगा। तो फॉर्मूला बनेगा साइन मल्टीप्लाई कोसेक इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला बनेगा इसका। इसको प्रूफ करते हैं, साइन होता है हमारे पास पी अपॉन एच, जो कोसेक होता है एच अपॉन पी, पीछे पी कट पी एच एच कैंसिल, तो कट के आ जाए हमारे पास 1। इसी तरह से ये बनेगा टेन इंटू कोट इज इक्वल्स टू 1 और सेक इंटू कोसेक, कॉस बचा ये भी बना लेता हूँ मैं अपने के लिए, सेक इंटू कॉस इज इक्वल टू 1। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, इसमें बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, आप लोग इसको फॉलो कीजिए, सारे फॉर्मूले याद कीजिए, इससे आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसी तरह की वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।